मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे आदमी का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है। वकालत करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन का की वकालत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर, आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर बात कर रहे हैं जिसने 25 साल की उम्र से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत तक देश के लिए कुछ ना कुछ खास करती रहीं, राजनीति में बहुत कुछ खास करती रहीं। लोग आज उन्हें उनके पर्सनल ज़िंदगी को लेकर, किस तरीके का उनका नेचर था और राजनीति में वो कितने कीर्तिमान कहा जाए वो स्थापित करती रहीं, किस तरीके से जब वो खड़े होकर किसी भी मसले को लेकर बात करती थी तो वो कितना बेहतर तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाती थी, और राजनीति के मायने में जब वो अंत में विदेश मंत्री रही थी तब कितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, चाहे वो विदेश नीतियों को लेकर बात हो या फिर विदेशों में फंसे हुए नौजवानों को अपने घर परिवार अपने वतन वापस लाने की बात हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, जो जिनको कल रात एक दिल का दौरे की वजह से एम्स में भर्ती कराना पड़ा और देर रात खबर आती है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। आज हर कोई जनाब उन्हें अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और चाह रहा है कि उस व्यक्तित्व की राजनीति जो है, उस व्यक्तित्व की राजनीति आज कई नेताओं में हो, उस तरीके से राजनीति करने की जो काबिलियत है वो कई नेताओं में मौजूद हो और वो चाहते हैं कि उस तरीके का कौशल भविष्य जो है वो हर किसी में हो, क्योंकि 42 साल तक उन्होंने राजनीति की, 25 साल की छोटी सी उम्र में हरियाणा के अम्बाला की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र की विधायक बनी। उसके बाद धीरे धीरे उनका सफ़र जो है बहुत लंबा चलता रहा। तो जनाब, शुरुआत करेंगे बीजेपी से ही। ठीक है, बीजेपी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करती थी और बहुत से कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, और शुरुआत करेंगे नरेश अरोड़ा जी से जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो और उनकी पार्टी जो है वो किस तरीके से मैडम को याद कर रही हैं, वही जानेंगे। सर, आपका स्वागत है आवाम के आवाज़ का। धन्यवाद सर। किस तरीके से आप सुषमा जी के व्यक्तित्व को, उनके कुछ ऐसी बातों को जो हर किसी के जहन में हो, उनके 42 साल के राजनीतिक जीवन को कैसे याद कर रहे हैं? बहुत श्रद्धांजलि सुषमा जी को, और आज हर कार्यकर्ता बड़ा भावुक है सुषमा जी को जब याद करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से उनका जुड़ाव रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की थी और चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ उनका पर्सनली बड़ा मिलना भी रहा है और उनका मार्गदर्शन समय समय पर कार्यकर्ताओं को मिलता भी रहा है। जहाँ तक बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, बड़ा स्पष्ट और साफ छवि के साथ उन्होंने 42 साल का अपना कैरियर, जो राजनीति में इतना लंबा कैरियर होने के बावजूद, अलग अलग पदों के रहने के बावजूद, साफ छवि के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने साबित किया ऐसे समय में कि साफ छवि, अगर नीयत साफ हो तो साफ छवि रखी जा सकती है। और बात करें उनकी स्पष्टवादिता की, तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ वो हमेशा अडिग रहीं, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके चली। आज मैं कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहा था, बड़े इमोशनल लम्हे थे वो, जिस समय हमें बात कर रहे थे वो कह रहे थे बेशक 42 साल का उनका कैरियर है, पर अगर कोई लिखने जाएगा तो एक पूरा इंस्टीट्यूट लिख सकता है उनको, मतलब इतनी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, जिस भी क्षेत्र में पार्टी ने जो भी उनको जिम्मेवारी दी उस जिम्मेवारी पे वो एकदम परफेक्ट रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो उनके पास संगठन की कोई जिम्मेवारी रही, सब पे उन्होंने अपना 100% परफॉर्म किया। उनको देख के कार्यकर्ता हमेशा सीखते रहेंगे, उनके बारे में सुन के हमेशा कार्यकर्ता सीखते रहेंगे। ऐसी बात सर, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है, उनकी कोई ना कोई एक ऐसी छवि जो हर किसी के दिमाग में छप जाती है, चाहे वो उनके भाषण को लेकर हो या फिर उनके पहनावे को लेकर हो। आप उन्हें किस तरीके से याद करते हैं, कोई एक ऐसी यादगार जो आपके साथ हमेशा उनको आपके यादों में ताज़ा रखें?
सुषमा जी का पूरा व्यक्तित्व ही हमेशा याद करने लायक रहेगा। कारण ये कोई किसी, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, नेता के तौर पे बात करूँ तो उनको, उनकी छवि वैसे नेता वाली कभी नहीं रही। हमेशा उनको देख के, उनको सुन के ऐसे लगता था कि परिवार के किसी बड़े को हम सुन रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी रहती थी, दिल करता था उनकी बात को सुने, और वो जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। एक मेरे को इंसिडेंट याद है, मेरा एक कार्यकर्ता था, वो उनके परिवार के कुछ लोग गल्फ में फंस गए, अभी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी, पिछली टर्म की बात है। तो मैंने सिर्फ उसने मेरे से सलाह मांगी कि भाई साहब इनको कैसे किया जाए, और वो लोग समस्या में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके उनको दिक्कत है। मैंने कहा कि जिस आपकी समस्या सिर्फ एक व्यक्ति सुलझा सकता है, वो है सुषमा स्वराज जी। कहते हैं संपर्क कैसे करूं? मैंने कहा उनको कोई भी व्यक्ति कभी भी संपर्क कर सकता है, उनको सिर्फ आप उनके ऑफिशियल उस पर अपनी समस्या और डिटेल लिख के डाल दीजिए और आपका उसका समाधान हो जाएगा। ये मेरा अपनी पार्टी की तरफ और सुषमा जी के जो कार्यप्रणाली उस पर विश्वास था। और आज उस व्यक्ति का भी फ़ोन आया कि ऐसा हो गया, भी मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि। तो 15 दिन के अंदर उसके वो सारे परिवार के सदस्य, उनके दोस्त, वो यमुनानगर में लोग रहते थे और वहाँ पे वो लोग अपने घर वापस आ गए। मुझे धन्यवाद भी कहा, मैंने उनको कहा था कि आप सुषमा जी का धन्यवाद कीजिएगा। तो अपने काम में हमेशा परफेक्ट, हमेशा रेडी टू सर्व, ऐसी पर्सनैलिटी उनकी थी। जो किसी एक शब्द में या किसी एक पैराग्राफ में, एक कविता में कहना बड़ा मुश्किल है, और इतने इमोशनल हैं हम अभी समय की, ज़्यादा शायद मैं उनके बारे में बताऊं तो बड़ा लंबे समय भी लग सकता है। क्योंकि व्यक्तित्व जनाब उनका बहुत बेहतरीन रहा, उनका राजनीतिक सफ़र बहुत बेहतरीन रहा, जैसा कि सर ने एक एग्जांपल दिया। हर कोई किसी ना किसी तरीके से उन्हें अपने जहन में ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं जनाब आगे बढ़ने की, और क्योंकि राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के बीच का खेल होता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, तो वहीं जब कोई गुजर जाता है तो दुख दोनों तरफ होता है। तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और कुछ विपक्षी पार्टियों के सदस्यों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो सुषमा स्वराज जी को किस तरीके से याद कर रहे हैं। सुषमा जी को आज हर कोई याद कर रहा है, सब अपनी पार्टियों को भूल कर, अपना ये भूल कर कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। आज हर कोई सुषमा जी के राजनीतिक जीवन और उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहा है, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहा है। तो जनाब इसीलिए हम भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी के पास हैं, जो कि रमन सिंह जी हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको सुषमा जी का व्यक्तित्व क्या, कितना समझ में आया और राजनीतिक जीवन उन्हें कितना समझ में आया। सर आपका स्वागत है आवाम की आवाज़। धन्यवाद सर। सबसे पहले और सीधा सवाल, क्योंकि सुषमा जी अब हमारे बीच नहीं है, तो एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपने हर पहलुओं पर नज़र रखी है, तो सुषमा जी पर भी आपकी नज़र रखी होगी, और हो सकता है कि आपको मौका मिला हो उनके साथ रहने का, उनके साथ कुछ हद तक पल बिताने का। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि उनका राजनीतिक जीवन और उनका पर्सनल जीवन किस तरीके से आप समझ पाए। देखिए, सुषमा स्वराज जी एक वो शख्सियत रही है जिसके लिए आज कोई शब्द ही नहीं है। हरियाणा से लेकर दिल्ली की राजनीति तक उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह रखा है जहां शायद उस जगह पे दोबारा उस स्थान को भरा नहीं जा सकता, एक हरियाणवी होने के नाते। और मैं आपको बिल्कुल बताना भी चाहूँगा, आज से लगभग काफ़ी साल पहले जब गठबंधन चौटाला साहब के बीजेपी सरकार के देवीलाल जी के समय में हुए, उन्होंने यहाँ से विधानसभा जीतकर मंत्री पद भी संभाले हैं, और हमेशा मेरे को उनका एक वाक्य याद है जो मेरे दादाजी ने मुझे बताया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी असंध होती थी, रिजर्व रही है, वहाँ से मनफूल जी भी जीते हैं और भी बहुत सारे लोग जीत कर विधानसभा पहुँचे हैं। तो उनके पास मंत्रालय था, बिजली मंत्री वो पावर मिनिस्ट्री को देखते थे। तो सुषमा जी एक महिलाओं के लिए ऐसी आवाज़ उठाते थे, बुलंद आवाज़, क्योंकि वो उस पीड़ा को समझते थे। हरियाणा में हरियाणवी का कल्चर उनसे बखूबी कोई जानता नहीं होगा, वो बहुत ही आज भगवान के पास हैं और हम लोग श्रद्धांजलि भी उनको देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक ये है,
उन्होंने कहा था कि मुझे वो वाक्य याद है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया। और एक बार मुझे 2010 में सुषमा स्वराज जी से पार्लियामेंट में 2 मिनट चलते चलते आमना सामना हुआ, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको खुद महसूस किया, क्योंकि आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही है। वो वाक्या क्या था? वो वाक्या मैंने उनको बताया कि मैं उस परिवार से हूँ, क्योंकि उस टाइम वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे, ये पुराने दौर की बातें। तो महाजी, आप जब विधानसभा गए तो आपने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी कि मंत्री साहब वहाँ विधानसभा का हिस्सा बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मंत्री साहब, एक मैं महिला होने के नाते एक बात कहना चाहूँगी, गाँव हो शहर हो, आपके पास पावर मिनिस्ट्री है, आप रात को इतना कष्ट जरूर करें कि 7 से 9 बजे तक बिजली ना जाए, क्योंकि उसमें महिलाएं खाना बनाती है और अपने परिवार को खिलाती हैं। ये वाक्य मैंने खुद उनसे भी एक बार शेयर किया, उनको मैंने उनको देखा, उनके पास उस समय शब्द नहीं थे कहने के लिए। उन्होंने मुझे जैसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा बहुत खुशी हुई, मैं तो भूल गई थी, लेकिन मखाजी मैं हरियाणा से आपकी आवाज़ लेके आया हूँ। वो ठीक है, राजनीति में हम विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इनको ये पता चला कि जब आप विपक्षी पार्टी से हैं तो उनका क्या रिएक्शन? नहीं नहीं, उन्होंने कहा, मेरे को याद है, कहा, बेटा गॉड ब्लेस यू, और हरियाणा के लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, और लगे रहिए आप। और उन्होंने मुझे इन्विटेशन भी दिया, कहते सफदरजंग रोड पर मेरा घर है, उस दौरान मिनिस्ट्री थी उनके पास, तो उन्होंने कहा आप कभी भी आइए, और आओ तो बिल्कुल मिलके जाना। लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्य की 2 बातें हुई कि मैं जल्दी नहीं जा पाया, कुछ समय बाद गया। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया, 5-7 मिनट मुझे दी, और उन्होंने कहा कि आप जब मर्जी आओ। और देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे हैं। मैं रात को मुझे इस बात का पता चला, तो आप बिलीव मी, मैं 2 बजे तक सो नहीं पाया, क्योंकि ना मैंने उनको बहुत बार मैं पार्लियामेंट में भी मिला हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहाँ पे अंदर 24, तो वहाँ हम जाते रहते हैं सेशन के दौरान। तो मैम से भी काफ़ी बार मुलाकात हुई, हमेशा उनका आशीर्वाद मिला, उनके पैरों के हाथ लगाया, और वो हरियाणवी होने के नाते उनमें एक अपनापन भी दिखाई दिया। और उन्होंने हमेशा मतलब एक कभी महसूस नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चलाते हैं, क्योंकि उनका सिंपल सा स्वभाव था। देखिए, मैं कांग्रेस से हूँ, वो बीजेपी से थे, आज हम नरक में और स्वर्ग में हैं, वो भगवान के पास है, लेकिन जो सत्य है वो जिंदगी भर सत्य रहेगा। राजनीति अपनी जगह है। बिल्कुल जनाब की राजनीति अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह है। स्वराज जी का व्यक्तित्व जनाब की जिंदगी में किस तरीके से रहा, कितनी जो है सिंपल स्वभाव की वो थी, वो आज इन्होंने बताया। तो चलिए जनाब, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और मुलाकात करते हैं कुछ और लोगों से, और जानते हैं कि आखिर वो सुषमा स्वराज जी को किस तरह से, उनके राजनीतिक जीवन को किस तरह से याद कर रहे हैं। तो चलिए जनाब, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो बहुत सी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, और आज एक बहुत ही खूबसूरत विचारों वाली, बहुत ही शालीनता वाली महिला हमारे बीच नहीं रही हैं, और उनसे जानते हैं कि आखिर वो उस महिला को किस तरीके से याद करती हैं। हमारे साथ ममता दत्ता जी हैं, जो कि पंजाब कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है। ममता जी, आपका स्वागत है आवाम के आवाज़ कार्यक्रम। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि सुषमा स्वराज जी को किस तरीके से आप याद करें, और उनका 42 साल का जो राजनीतिक सफ़र रहा उसको आप किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, और हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि वो पहली फॉरेन मिनिस्टर बनी थी एज ए लेडीज़, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं उनको अक्सर देखती थी कि वो अपने काम में बहुत संजीदा थी, क्योंकि उनके पास जैसे कोई भी केसेस जाते थे जो जिनके बारे में वो हेल्प करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो पूरे अपने, मैं समझती हूँ कि उनका पूरी कोशिश होती की थी कि वो अपना जो जिस जो उनका काम था वो उसको करें, और हमें उनसे यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अगर हमें जो पावर मिली है हम लोगों के काम आए, क्योंकि हर कोई अपने आज से उनके पास जाता था, तो मुझे लगता है कि वो तकरीबन हर एक का जो काम था वो पहल के आधार पर करते थे। आप महिला कांग्रेस पंजाब के प्रेसिडेंट हैं मैम, आप एक ये सवाल जानना चाहूँगा कि कितना एक महिला के लिए मुश्किल होता है अपना ऑफिस भी संभालना और अपना घर भी संभालना? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन
क्योंकि जो महिला है उसमें ही ये काबिलियत होती है कि वो जैसे बड़े अच्छे ढंग से अपने घर को संभालती हैं, वो अपने राजनीतिक करियर में भी अपना पूरा जो सबकी सेवा उनको मिली होती है वो संभाल सकती हैं। और मैं समझती हूँ ये योग्यता जो है लेडीज़ बड़े अच्छे ढंग से, अगर उनका मिशन है कि वो हर अपने काम में कामयाब हों तो वो कर सकती हैं। क्योंकि स्वराज जी का अगर राजनीतिक जीवन को देखा जाए और उनके पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो दोनों ही बहुत उम्दा रहे हैं। उन्होंने अपना 42 साल का राजनीतिक सफ़र भी उतनी ही बखूबी निभाया जितना बखूबी उन्होंने अपने परिवार को, अपने पति और अपने बच्चों को संभाला। तो जनाब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो सुषमा स्वराज जी को किस तरह आज के दिन याद कर रहे हैं। हर कोई जनाब अपने अपने तरीके से सुषमा स्वराज जी को याद कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में लिए गए हर एक कदम को याद कर रहा है। हम इस समय एक मार्केट में हैं जहाँ पर सभी लोग सुषमा स्वराज जी को याद कर रहे हैं, उनके समय को याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना कामकाज करती थी, 42 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा और उसमें उन्होंने कई दृढ़ फैसले लिए, कई ऐसे काम किए जिसे आज भी पूरा भारत याद करता है और उन्हीं यादों के साथ उन्हें अलविदा कहने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा और जानूंगा कि आखिर सुषमा स्वराज जी को वो किस तरीके से याद करते हैं। सर आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम राकेश किनोजी है। राकेश जी कहाँ के रहने वाले? शिमला से, बेसिक वैसे चंडीगढ़ ही रहते हैं यहाँ पर। कैसे आप आज सुषमा जी को विदाई दे रहे हैं? सुषमा जी के पहले तो हमें बहुत दुख हुआ जो उनका कल हमने सुना कि सुषमा जी का ऐसे ऐसे देहांत हो गया है, तो हमें बड़ा दुख हुआ इस बारे में, क्योंकि 1988 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ पार्टी से, और कई प्रोग्रामों में सुषमा जी के साथ मुझे काम करने का भी अवसर मिला है। 93-94 में मोदी साहब जी जिस टाइम पर भारी हुए थे उस टाइम सुषमा जी भी चंडीगढ़ में आए थे प्रचार के लिए, उस टाइम भी सुषमा जी के साथ मुझको काम करने का, और उनके जो बोलवानी थी एक जैसे बहुत ही सिंपल थी, अच्छे तीनों से समझाते थे वो कि ये ऐसे करना, ये काम ऐसे करो, आप कभी उनके हमने देखा नहीं और आज उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम इसलिए। मिस कर रहे हैं। तो चचा क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, तो आज सुषमा जी को किस तरीके से याद कर रहे हैं? बहुत दुखी मन से याद कर रहे हैं, बहुत सुलझी हुई जनानी थी सुषमा जी, और बहुत सबसे ज़्यादा ईमानदार, पूरी कैबिनेट में यह ईमानदारी थी इसकी। ये अब दुनिया से विदाई ले गए हैं तो उसमें हमको भी दुख लगता है। इसमें दुख तो लगता है जनाब, हर किसी को दुख लगता है कि एक राजनेता, पार्टी चाहे जनाब कोई भी हो, जब भी एक धुरंधर नेता जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है, दुनिया की राजनीति को अलविदा कहता है, तो हर कोई दुखी अपने आप को महसूस करता है और उस दुख में चाहता है कि हर कोई उसका साथ दे और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को पीछे छोड़कर इंसानियत के नाते उनके साथ जुड़ने की कोशिश की जाए। सर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। सर गुरप्रीत सिंह जी, तो कभी आपको मौका मिला या टीवी पर जब आप इन्हें देखते थे तो इनका कार्यकाल कैसे पसंद आया? इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया अच्छा लगता था जी। सबसे बड़ी बात थी इनकी जो इनका पहनावा था, राष्ट्रीय पहनावे के अंदर, ये संसद के अंदर भी और आम भी अगर कभी देखते थे तो राष्ट्रीय पहनावे के अंदर दिखते थे ये, जो सबसे अच्छा लगता था। और कभी भी इनके ऊपर कोई भी ऐसे भी कोई भी आरोप नहीं था कि इन्होंने कोई घपला किया हो, बड़ी साफ़ सुथरी राजनीति की इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल के अंदर। अगर ऐसे नेता हमारे राजनीति के अंदर होंगे तो हमारी राजनीति की जरूर चमकेगी। ये लगता है आपको कि ऐसे नेताओं की कमी है? नहीं, नेता तो है सर, कमी तो नहीं होती है, लेकिन क्या है कि जब कोई ऐसे नेता चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तो जिससे बहुत दुख प्रकट हो रहा है इस टाइम। सभी जनाब यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। कहाँ के रहने वाले? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। हाँ जी। तो सुषमा जी को टीवी पर जब देखते थे, उनके कार्यकाल को देखते थे, काम करते हुए देखते थे, तो क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता था। तो सर आपने उनके साथ काफ़ी टाइम तक काम भी किया, आपको मौका मिला उनके साथ रहने का, तो कुछ ऐसी खास बातें जो आपको उनकी पसंद आई हो? एक तो आपने बताया कि वो बहुत प्यार से हर किसी से बात करती थी, समझाती थी, कुछ और ऐसी चीज़ें जो शायद कोई नहीं जानता और आपने ऑब्जर्व की हो? जैसे उस टाइम कोई अनोन जैसे पर्सन भी हो, मैम का कोई काम होते थे, जैसे मैम को बोलते थे कि ये करवा दो आप, तो मैम ने कभी भी मना नहीं किया और करवा के दिया काम मैडम ने उस टाइम हमारे को। यहाँ 24 में जिस टाइम संचार मंत्री थे मैडम सुषमा जी, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था हमारे सेक्टर 24 के अंदर, उस प्रमोद महाजन जी थे, उसके बाद सुषमा जी आए हैं, उनके पास भी मैंने लेटर यहाँ से भेजी थी कि यहाँ जुड़ता हमारे को पोस्ट ऑफिस की, प्रमोद जी के बाद फिर सुषमा जी आए, इनको रिकमेंड की थी हमने, फिर इन्होंने वहाँ से रिप्लाई दिया था कि आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस जल्दी बनवा देंगे हम, तो वो बन गया। उसके बाद फिर मैडम चेंज हो गए थे पोस्ट। हाँ जी, वो एक उम्मीदें हैं 23 सेक्टर में बना, फिर वो 24 के बजाय 23 में पोस्ट ऑफिस बन गया था। लेकिन वही है जनाब, हर कोई किसी ना किसी तरीके से उनको याद कर रहा है और चाहता है कि जिस तरीके से उनसे मुलाकात हो पाई थी, उन लम्हों को याद करके उन्हें याद कर रहा है। जो भी वो काम करती थी दिल से करती थी,
और वो करके ही रहती थी, चाहे वो विदेशों में हो चाहे अपने इंडिया में हो, वो पूरे दिल से अपना काम करती थी और पूरा मनवा लेती थी। कई नौजवानों को विदेश से उनके अपने घर लाने का, जो नौजवान विदेश में फंस जाते थे उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने घर भेजने का जो सौभाग्य था उन परिवारों को स्वराज जी ने दिया, और जो कि एक ड्यूटी बनती थी एक विदेश मंत्री की। सर क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं, तो शर्मा जी कैसे याद कर रहे हैं? ऐसा सुषमा जी ने मतलब देश और हिंदुस्तान में और बाहर भी और पक्ष और विपक्ष में भी बहुत शालीनता से मतलब उन्होंने बखूबी निभाया। वो हिंदुस्तान की नेता नहीं पूरी कंट्री की नेता थी। मतलब जो राजनीतिक जीवन को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा जी। एक ऐसी चीज़ जो आपको उनके राजनीतिक जीवन की पसंद आई? उनकी शालीनता और बखूबी से हर मोर्चे पे वो जो है पार्टी को भी और देश को भी आगे ले जाने में सक्षम रहे, और आज जो हिंदुस्तान का नाम है तो वो कहीं ना कहीं सुषमा जी की बदौलत काफ़ी कुछ आगे बढ़े। विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बजता है, हिंदुस्तान इज्जत से जो है भारत को याद करता है, उसका एक श्रेय जो है वो सुषमा स्वराज जी को भी जाता है, क्योंकि 2014 से वो विदेश मंत्री रहीं और कई ऐसे काम उन्होंने कर दिखाए जो जिसको लेकर उम्मीद बहुत कम ही नज़र आती थी। उस जिसमें से सबसे बड़ा काम जो है विदेशों में फंसे हुए नौजवानों को वापस उनके घर उनके परिवार में पहुँचाना और उनकी मुलाकात करवाना। 25 साल की उम्र थी जब उन्होंने हरियाणा में अम्बाला सीट से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता भी था, और सबसे कम उम्र की वो विधायक बनी थी। उसके बाद उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2014 में, बस अगर हम पिछले 2014 की बात करें जब यूपीए सरकार जीती थी चुनाव, लोकसभा चुनाव जीती थी, तब उन्हें विदेश मंत्री का पद दिया गया, और उसके बाद जनाब आज यानी कल शाम को खबर आती है कि उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, और जिसको लेकर तमाम जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से शोक मना रहे हैं, उनको अलविदा कह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जैसे राजनेता जो हैं वो धरती पर आएँ, उनके जैसे मेहनती शालीनतावादी और दूसरों की फिक्र करने वाले नेता उनसे मुलाकात हो पाए। तो जनाब आज इसीलिए हम लोग आवाम के बीच निकले थे, आज ये जानने निकले थे कि आखिर लोग सुषमा जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, उनके राजनीतिक जीवन को 42 साल के राजनीतिक जीवन में क्या वो ख़ास बातें थी जो उनको नज़र आई, क्या वो ख़ास चीज़ें थी उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जिसको लेकर लोग उनसे मुलाकात करना चाहते थे, और उनकी मुलाकातों से जुड़ी हुई कुछ यादों को वो सबके सामने रखना चाहते थे। तो जनाब आज का सफ़र फिलहाल के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर आवाम की राह जाने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।